Hi all my dear stars, welcome back to my YouTube channel that is Stars at 999. I hope आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, साथ ही साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस भी आप लोग देते रहोगे. तो कहीं ना कहीं गाइज आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 या फिर एंड ऑफ 2024 आपके लिए एक नए अध्याय का प्रारंभ होने वाला है. ठीक है, वो क्या अध्याय का प्रारंभ होने वाला है हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मैसेज मिला है गाइज कि ना चाहे पाइल नंबर 1 हो या चाहे पाइल नंबर 2 हो, कि आपके लाइफ में ना काफ़ी सारे बदलाव आप देखोगे. ठीक है, एंड जब एंड ऑफ द ईयर आता है या फिर ना मैं कहूँ तो साल का आखिरी महीना आता है या फिर ना साल का आखिरी पल आता है, तो कहीं ना हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है, न्यू बिगनिंग होती है. हो सकता है आपने काफ़ी सारे मन्नतें की है, प्रेयर्स करी है, एंड इसी के बलबूते पर माय डियर गाइस आपकी ज़िंदगी में ना एक नए अध्याय का प्रारंभ होने वाला है. राइट, एंड वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर के लिए होगा. ठीक है, एंड ऑफ द ईयर एंड बिगनिंग ऑफ 2025 ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय होने वाला है. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने पाइस के तौर पर आपके सीधे सीधे बर्थ मंथ्स रखे हैं. जिनको बर्थ मंथ्स नहीं पता है, आप पिक अ कार्ड या फिर ना पिकअप ब्रेसलेट के हिसाब से रीडिंग चेकआउट कर सकते हो. राइट, पाइल नंबर 1 के लिए बर्थ मंथ्स रहेगा ये है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर. एंड वहाँ पर मैंने पिक अ कार्ड या फिर पिक अ ऑप्शन रखा है, वो है ब्यूटिफुल 7 चक्रा ब्रेसलेट है विथ हार्ट है. ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 के लिए रहेगा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर. एंड वहाँ पर मैंने ब्रेसलेट रखा है, वो है ये वाला. ये भी 7 चक्र है लेकिन ये चिप्स में आता है गाइस. ठीक है, मैं कोई भी ब्रेसलेट का बिजनेस नहीं करती गाइस. ठीक है, सो यस गाइस चलिए देखते हैं कि आपके रेस्ट ऑफ 2024 या फिर एंड ऑफ 2024 आपकी ज़िंदगी में नए अध्याय का आरंभ क्या होने वाला है, प्रारंभ क्या होने वाला है. लेट्स बिगिन विथ माय डियर पाइल नंबर 1 पीपल. हे माय डियर स्टार्स पाइल 1 पीपल, वेलकम ऑन योर रीडिंग गाइस. तो आज की जो रीडिंग रहेगी, एंड ऑफ 2024 आपकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है, वो क्या अध्याय रहेगा इस रीडिंग के थ्रू हम देखने वाले हैं. राइट, तो आपने पाइल चूज़ की है या बर्थ मंथ्स चूज़ किए हैं, वो है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. और आपने जो ब्रेसलेट चूज़ किया है ये है 7 चक्रा ब्रेसलेट है. ठीक है, ब्यूटीफुल विथ हार्ट है गाइस. ठीक है, सो माय डियर पाइल 1, आपकी एनर्जी मुझे ना काफ़ी ड्रेन आउट दिख रहे हो आप लोग. ठीक है, सिर्फ ड्रेन आउट भी हो सकते हो, साथ ही साथ ना आपके कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे माय डियर पाइल 1 पीपल. ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी जिन्होंने भी ये बर्थ मंथ को चूज़ किया है या फिर जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट को चूज़ किया है ना गाइज, हो सकता है कि आपके सिर में ना कुछ दर्द है, पेन है, माइग्रेन की बीमारी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ नॉस्ट्रल के रिलेटेड बीमारी हो सकती है, कफ के रिलेटेड बीमारी हो सकती है. ओके, सिर्फ कुछ ना कुछ है, कुछ डिप्रेशन हो सकता है, कुछ टेंशन हो सकता है, कुछ लॉसेस हो सकते हैं. राइट, इसके चलते हो सकता है मैं डियर पाइल 1 आप लोग ना सोते भी नहीं रहोगे. ओके, मतलब काफ़ी सारे चीज़ें आपके जीवन में एंड हो चुकी है या फिर ना एंड होने के कतार में हैं. ठीक है, एंड नहीं कह सकती हूँ लेकिन ना किसी चीज़ का बर्डन है, किसी चीज़ का प्रेशर आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है माय डियर पाइल 1. एंड इसके चलते हो सकता है गाइस कि ना आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आप रातों को सो नहीं पाते हो. एंड स्पेसिफिकली ना माय डियर पाइल 1 आप लोग ना रातों में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो. ठीक है, ओवरथिंक की एनर्जी मुझे पाइल 1 से मिल रही है. पता नहीं क्यों आप किस किस रिलेटेड या फिर ना किस बात को लेकर आप टेंशन में हो. हो सकता है कि आपकी फिनांसिस के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड. ओके, आपकी विश के चलते, क्योंकि 7 चक्र है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी विश जो रहेगी वो अधूरी है, विश पूरी नहीं हो रही है. राइट, आपके दिल में काफ़ी ज़्यादा अरमात है, आपने काफ़ी प्लान्स करके रखे थे फ्यूचर के, लेकिन वो प्लान्स फलित नहीं हुए हैं, फलश्रुत नहीं हुए हैं. राइट, एंड इसके चलते भी हो सकता है मैं डियर पाइल 1 आप लोग काफ़ी टेंस्ड हो, वरीड हो कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरे लाइफ में यही सिचुएशन रहने वाली है कि नहीं, मेरी लाइफ बदलने वाली है कि नहीं. ओके, इस तरीके से कुछ टेंशंस हो सकते हैं माई डियर पाइल 1 पीपल. लेकिन कहीं ना कहीं पाइल 1 के लिए मुझे एनर्जी ये भी मिल रही है गाइज
कि ना नो डाउट आपके जीवन में टेंशन है या फिर वरी का माहौल हो सकता है, राइट? आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, या फिर ना नो डाउट आपने आपकी जो दिवाली रहेगी वो भी ना दूसरों के लिए मनाई रहेगी, लेकिन खुद के खुशी के लिए नहीं मनाई है। मतलब ना अंदर से आप लोग इतने दुखी हो या फिर ना इतने दर्द में हो कि हो सकता है कि ना आपने दिल से ये दिवाली नहीं मनाई है गाइस, ठीक है? इस तरीके से मुझे एनर्जी मिल रही है माय डियर पाइल वन, ठीक है? जनरल रीडिंग है, आपको जनरल वे में ही लेना है, गाइडेंस के तौर पर ही लेना है माय डियर पाइल वन पीपल। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है ना, ओके, मतलब जिस दौर से आप लोग गुजरे हो ना माय डियर पाइल वन, यही एक फेज रहेगा कि जहाँ पर ना नया नया एक अध्याय आपके जीवन में प्रारंभ होगा माय डियर पाइल वन, ठीक है? एंड मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जब साल का आखिरी वक्त आता है या फिर ना जब साल एंड होने को आता है, राइट, तो कहीं ना हमारे एनर्जीज ड्रेन आउट होती है, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, हमारी एनर्जीज बहुत लो होने लगती है, राइट? क्यों? बिकॉज ना हमारे जीवन में एक नया प्रारंभ या फिर नया अध्याय आने का एक प्रारंभ होता है, एक न्यू स्टार्ट आने का प्रारंभ होता है, ओके? आप कहीं ना कहीं पाइल नंबर वन पीपल ना मुझे दिख रहे हो कि आप नए चैप्टर में एंटर कर रहे हो या फिर ना एक नए चैप्टर में जाने के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो, एंड दैट्स वाई आपके जीवन में ना लॉट ऑफ लॉसेस है, परेशानी है, डिफ़िकल्टी है, टेंशन का माहौल है, ठीक है? हम एनर्जी वाइज भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई मेरे साइकिक लेवल की एनर्जी है, जो मुझे मैसेजेस चैनल होते हैं मैंने वही आपको बताया गया, ठीक है? हम टैरो कार्ड के हिसाब से भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना आपके जीवन के जो भी अभी खाली पेजेस है माय डियर पाइल वन, ठीक है, खाली पन्ने हैं वो यूनिवर्स भरने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि अभी आपके जीवन में ना एक नया चैप्टर, एक न्यू अध्याय में एंटर करने वाले हो, जहाँ पर जो भी मिसिंग पेजेस हैं, ओके, वो भर जाएंगे, वो यूनिवर्स आपके लिए भरेंगे। आपको बिलीव रखना है कि मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरे इष्ट वो भरेंगे ही भरेंगे, इसे कोई झुकला नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता गाइस, ठीक है? आपको बस पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, राइट? सो मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ, ठीक है? लेट्स सी, हम आपके लिए देखते हैं एनर्जीज क्या निकलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। अभी हम लोग पहले एनर्जी ओरेकल से ही देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकलती है फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल, ठीक है? देखते हैं गाइस, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है, एंड ना सबसे इम्पोर्टेंट माय डियर पाइल वन, आपको ना ओवर टेंस या फिर ना वरी नहीं होना है, ठीक है? जब आपको मिलना है वो मिल ही जाएगा, जब आपके जीवन में आना है वो आ ही जाएगा, आपको वरी बेकार में ही टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चिंता नहीं करना, इससे अच्छा है कि चिंतन करिए, ठीक है? लेट्स सी, ओके, देखिए थिंकिंग वूमन, ठीक है, मैंने जो कहा था उसी हिसाब से कार्ड निकलेगा इस आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है? मैंने कहा ना कि चिंता आपको नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं चिंतन करना है, ठीक है? एंड ये नया अध्याय जो रहेगा या फिर जो एंड ऑफ 2024 आपके लिए लेकर आया है, कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो ना, मतलब आपने कुछ प्लान्स करके रखे थे, कुछ रिटर्न अफर्मेशंस करके रखे थे, जो अर्जी आपने यूनिवर्स को दी है, राइट, वो कहीं ना कहीं अभी फलश्रुत होने वाली है बाय द एंड ऑफ 2024, ठीक है? एंड ऑफ 2024 कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि बिगनिंग ऑफ 2025 भी आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो विश है, राइट, या फिर आपने जो भी लिखित तौर पे यूनिवर्स को दिया हुआ है एंड जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो गाइज, ठीक है, कंटिन्यूसली सोच रहे हो, आप कहीं ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो गाइज अपने जीवन में, ठीक है? आप एक जगह पर रुके हुए, थमे हुए हो एंड आप सोच रहे हो कि यार मेरी जो अर्जी है वो कब पूरी करेंगे, ओके? इसके चलते भी आप ना काफ़ी बर्डन में हो माय डियर पाइल वन, ठीक है? तो यही अभी आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि सून, ओके, बहुत ही जल्दी आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं माय डियर पाइल वन, ठीक है, ज़रूरी नहीं बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, या फिर आप लोग काफ़ी ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हो, राइट, या फिर आप सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा कैसे मैनिफेस्ट करूं कि जिसके चलते ना मेरी जो मैनिफेस्टेशन है, मेरी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करेंगे। आपको हाथ फेर मारने की ज़रूरत नहीं है माय डियर पाइल वन, क्योंकि कहीं ना एंड ऑफ 2024 आपके जीवन का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा कि जहाँ पर ना आप लॉट ऑफ चीज़ें आते हुए देखोगे, ठीक है, लॉट ऑफ चीज़ें आते हुए देखोगे, एंड साथ ही साथ दिस विल बी अ न्यू चैप्टर, एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है आपके जीवन में, जो आप सोच रहे हो वही आप हासिल करोगे माय डियर पाइल वन। तो यहाँ पर आपको निगेटिव सोचना नहीं है माय डियर पाइल वन, ठीक है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, एंड जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगा आपके लिए, इसमें कोई दो राह नहीं है गाइस, ठीक है? पॉजिटिव सोचते हो तो वही चीज़ यूनिवर्स आपको रिटर्न में देंगे,
ठीक है, एंड आपको ना आगे बढ़ते रहना है गाइस, ओके। कहीं ना आपकी लाइफ की जो सीढ़ी है, ओके, न्यू स्टार्ट है, जो न्यू आरंभ है, आप उसके करीब हो गाइस, उसके करीब हो। लेकिन हो सकता है कुछ पास का ट्रॉमा रहेगा, कुछ पेन रहेगा, कुछ ऐसे सिचुएशंस रहेगी जो आपको मिली नहीं है, राइट। वो कहीं ना कहीं उसके चलते हो सकता है कि आप एक जगह पर रुके हुए थमे हुए हों, लेकिन आप अपने मंजिल के करीब हो माय डियर पायलट, ठीक है। हौसला ना हारे, क्योंकि आप अपने मंजिल के करीब हो, आप ना इस सीढ़ी के एक कदम दूर हो माय डियर पायलवन, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में आप जो सोच रहे हो वही आपको मिलेगा, जो आपने लिखित तौर पे सोचा हुआ है, या फिर ना हो सकता है आपके काफ़ी ज़्यादा अर्जी हो सकते हैं, मनोकामना हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पूरे करने वाले हैं। इसके लिए आपको भरोसा भी रखना है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, अपने तरफ ध्यान देना है, ओवरथिंक आपको कम करना है माय डियर पायलवन पीपल, राइट। आपकी उम्र यहाँ पर 30+, 40+, 45+ भी हो सकते हैं कुछ वर्स, ओके, ज़रूरी नहीं, लेकिन ये एनर्जीज मुझे मिली हैं, ओके, 47 है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अभी आपके जीवन में ना गाइज जो चीज़ें छिपी हुई थी, ओके, या फिर ना चीज़ें बदलाव नहीं ले रही थी, ओके, वो कहीं ना कहीं ये अध्याय या फिर एंड ऑफ 2024 आपके लिए लेकर आ रहा है, ठीक है। टैरो कार्ड से भी हम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मैंने जैसे कि कहा था कि एंड ऑफ 2024 आपकी पूरी दुनिया बदल देगा माय डियर पायलवन, ठीक है। पूरी दुनिया जो आप सोच रहे हो, ओके, जो आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया यहाँ पर आपकी बदल जानी है। आप एक नई फेज में वाकई में एंटर करने वाले हो, जहाँ पर आपकी जीवन एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा गाइस, ओके। मतलब आपने सोचा नहीं था कि ये होगा, लेकिन एंड ऑफ 2024 ये आपके लिए लेकर ही आया है, यानी होकर ही रहेगा, ठीक है। सो आप एक नए अंदाज में रहोगे, नए वर्जन में रहोगे, ठीक है। कुछ वर्स के लिए हो सकता है ये एक वर्ल्ड वाइड सक्सेस हो सकता है, या फिर वर्ल्ड टूर भी हो सकता है कुछ वर्स के लिए, या फिर एक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल हो सकता है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है कुछ वर्स के लिए, राइट, कि किसी ट्रांसपोर्टेशन में आपका जॉब मिल सकता है, राइट। कुछ जुबा से वर्ड निकला है, दैट्स व्हाई मैंने बताया गया, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड कुछ हो सकता है, ट्रैवलिंग के रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपका स्टेट चेंज हो सकता है, या फिर आपका कंट्री चेंज हो सकता है, ठीक है। इस कदर से एंड ऑफ 2024 आपके लिए है गाइस, ठीक है। लेट्स सी, हम टैरो कार्ड से भी देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकलती हैं फॉर माय डियर पायलवन पीपल, ठीक है। लेट्स सी, सो फर्स्ट एनर्जी आपके लिए निकलती है क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके माय डियर पायलवन, ठीक है। लेट्स सी, स्ट्रेंथ की एनर्जी ब्यूटिफुल, एंड डेविल की एनर्जी, ओके। सी, दो मेजर अरकानाज निकले हैं माय डियर पायलवन आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी राशि यहाँ पर एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हो, एरिस की साइन, सॉरी, लियो साइन हो सकते हो, एरिस साइन भी हो सकते हो कुछ वर्स, एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी हो सकते हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए हायरोफेंट की एनर्जी, ठीक है। हायरोफेंट एंड डेविल एक साथ आपके रीडिंग में निकला है गाइस, ठीक है। यस माय डियर पायलवन, एंड ऑफ 2024 कहीं ना आप, मैं कहूँ तो आप अपने पावर में रहोगे, फुल ऑन पावर रहेगा गाइस, ठीक है। मतलब ना कॉन्फिडेंटली आप सारे चीज़ों को ग्रैब करने लगोगे, हासिल करने लगोगे, एंड आप अपने जर्नी को ना, एक आपकी जो जर्नी रहेगी एंड ऑफ 2024 ये काफ़ी स्मूथ रहेगी, काफ़ी प्रैक्टिकल आप बनने वाले हो, काफ़ी ऊर्जा में रहोगे, ओके। एंड ना कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ना कि काफ़ी सारे मुश्किलात का आप सामना करके, ओके, सामना करके आप ना कहीं ना कहीं अपने मंजिल को पा ही लोगे माय डियर पायलवन, ठीक है। मैं एंड ऑफ 2024 के लिए ये भी देख रही हूँ गाइज कि ना भले ही आपकी लाइफ में पहाड़ जैसे मुश्किलात थे या मुश्किलात है, इन सारे चीज़ों को पार कर कर आप ना अपने मंजिल को पा लोगे, अपने स्पेसिफिक गोल को पा लोगे, अपने विजन को पा लोगे, अपने सच्चे हमसफर को पा लोगे, या फिर आपके जो भी मेटरलिस्टिक थिंग्स हैं, ओके, आपकी जो लग्जरियस लाइफ है उसको आप लोग पा लोगे बाय द एंड ऑफ 2024, ठीक है। सो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्स पहले एनर्जी निकली, मतलब आप ना इतने फुल ऑन पावर में रहोगी कि सारे चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट हो जाएगी, भले ही आप इसको मैनिफेस्ट करो या ना करो, आपकी ऊर्जा से, आपके थॉट से, आपकी शक्ति से आप इसको आकर्षित कर ही लोगे बाय द एंड ऑफ 2024, एंड दिस इज लाइक अ डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन हीलिंग, आपके इष्ट, आपके गुरुजन की हीलिंग, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद के बेसिस पर ही ये सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। एंड दिस इज लाइक मैं कहूँ ना गाइज कि आपके लिए ना यूनिवर्स की, इष्ट की ब्लेसिंग्स ही रहेगी, या फिर हो सकता है कि इसके लिए आपने काफ़ी रीडिंग्स करवाए हैं एंड ना वो अभी तक
रीडिंग्स खरे नहीं उतरे हैं या फिर ना आपके मुताबिक नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ 2024 आप रीडिंग्स करो या ना करो, फिर भी ये सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में आना ही आना है गाइस, ठीक है, आना ही आना है। आना ये कहीं ना कहीं आप इसको अट्रैक्ट करो अपनी ऊर्जा के बेसिस पर, आपकी थॉट्स के बेसिस पर। एंड दैट्स मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो भी आपके लिए अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है गाइस। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि ना कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ 2024 ना आपके जीवन से जो भी नकारात्मक लोग थे या फिर नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव पीपल थे, टॉक्सिक लोग थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, टॉक्सिक जॉब था, वो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन से चला जाएगा। एंड ना एक डिवाइन, एक पॉजिटिविटी, एक प्योरिटी बाय द एंड ऑफ 2024 आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एक सच्चा हम सफ़र, एक सच्चा जॉब, एक अच्छा करियर, एक स्टेबल जॉब, एक ऊँचा पोजिशन, राइट, कि जो आप मांग रहे थे माई डियर पालवन, ठीक है। अब काफ़ी अरसों से इसको मांग रहे हैं एंड हो सकता है कि ये मांग कर आप भूल भी चुके हो, लेकिन इस रीडिंग के थ्रू सी आप भूल चुके हो, लेकिन भगवान नहीं भूल चुके हैं गाइस, ईश्वर नहीं भूल चुके हैं, राइट। अब जो भी यहाँ पर लिखित स्वरूप मन ही मन मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ईश्वर को पता है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर ईश्वर आपको बता रहे हैं, आपके इष्ट बता रहे हैं, आपके गुरुजन बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है एंड ऑफ 2024 के लिए वो सारी चीज़ें आपकी फलित हो जाएंगी। एंड ना इस आपकी मुश्किलात की जो चाबी है मिल जाएगी, मतलब एक आपकी लाइफ की जो नया अध्याय हो रहा है या फिर जो नया अध्याय का प्रारंभ होने वाला है, उसके जो की है या फिर उसकी जो ताले की चाबी है, वो यूनिवर्स आपके लिए खोलेंगे, ठीक है। एक नया अध्याय के लिए, एक नया प्रारंभ के लिए ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए खोलने वाला है, ये दरवाजे आपके लिए खोलने वाले हैं, जो कि मेजर तौर पर रहेगा, एक ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं फॉर माई डियर पायलवन पीपल, ठीक है। यहाँ पर ना एंड ऑफ द 2024 मुझे दिख रहा है गाइज कि आप अपने पोजिशन को पा लोगे, आप अपने करियर में सक्सेसफुल रहोगे, आपकी शादी मुझे होते हुए दिख रही है, ट्रेडिशन मैरिज मुझे होता हुआ दिख रहा है, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे बेहतर होता हुआ दिख रहा है, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ से मुझे जाती हुई दिख रही है, साथ ही साथ जहाँ पर आप लोग स्टक थे माय डियर पालवन, या फिर मैं कहूँ ना किसी जकड़न से आप लोग जकड़ चुके थे, तो उस जकड़न से भी आप लोग बाहर मुझे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी इष्ट की ब्लेसिंग्स है, आपके गुरुजन की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स पर ही आप कहीं ना कहीं अपने पावर में रहोगे माय डियर पालवन पीपल, ठीक है। यानी मेजर तौर पे रहेगा माय डियर पालवन, ठीक है। सो यहाँ पर एंजल से भी हम लोग मैसेज देखते हैं आपके लिए, एंजल से क्या गाइडेंस निकलता है, क्या मैसेज निकलता है फॉर माय डियर पालवन पीपल, लेट्स सी गाइस, ठीक है। एंड वाकई में आपके जीवन में मैं कहूँ ना माय डियर पालवन एंड ऑफ 2024 काफ़ी बदलाव आप देखोगे, आप ना खुद में ही बदलाव देखोगे ऐसा मैं देख पा रही हूँ, या फिर ना आसपास के लोगों में भी आप बदलाव देखोगे, मतलब ना अचानक से लोग आपके लिए फेवर करने लगेंगे, आपके बारे में सोचने लगेंगे, आपके केयर करने लगेंगे, आपके ना कोशिश के लिए हाथ बढ़ाएंगे या फिर आपके लिए हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे, आपके ऊर्जा को देखकर ना ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, उनके उनके माइंड में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ना आसपास की एनर्जी भी चेंज होगी एंड ना आसपास के लोग भी आपके लिए चेंज होंगे माय डियर पालवन पीपल, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बता रही है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है। सभी एंजल्स ने आपको क्लियरली मैसेज दिया है कि जाहिर तौर पर ये एंड ऑफ 2024 आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आया है, एक नए अध्याय में आप प्रारंभ करने वाले हो, लेकिन इसके लिए आपको ना शांत रहना है, काम रहना है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कुछ सवालात है, आपको कोई सवालात परेशान कर रहा है, जो कि मैंने आपको साइकिक लेवल पर बताया था गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, रातों को सो नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स अ आंसर, तो आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि कुछ सवालात अगर है तो इस मेडिटेशन से ही आपको आंसर मिल ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है गाइस, ठीक है। मेडिटेशन करते जाइए, जाहिर सी बात है आपके माइंड में कोई भी शंका नहीं आएगी, कोई भी चिंता नहीं रहेगी, ठीक है। यू आर रेडी बॉटम ऑफ द टेक, ठीक है। सो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जब आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा, जाहिर सी बात है आपको तैयार रहना है, क्योंकि ये सारे जो बदलाव रहेंगे ये आपके लिए रहेंगे, जो कि एंड ऑफ 2024 आपके लिए लेकर आए। एंड इसके लिए बिलीव करिए गाइस, ट्रस्ट करिए। जनरल रीडिंग है, लेकिन जनरल रीडिंग में भी काफ़ी सारे लोगों को पॉजिटिविटी मिल रही है, हीलिंग मिल रहा है, राइट। एंड जाहिर सी बात है ट्रस्ट करते हुए तभी मिलता है गाइस, ओके। बगैर ट्रस्ट के ये सिचुएशंस नहीं आती, बगैर ट्रस्ट के अबंडेंस नहीं आती है हमारी ज़िंदगी में गाइस। तो बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए, क्योंकि एंड ऑफ 2024 वाकई में एक नया आरंभ, एक नया अध्याय का आरंभ या प्रारंभ होने जा रहा है,
माय डियर पालवन, राइट। तो यस, इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड करती हूँ माय डियर पालवन, एंड आई होप गाइज ये आपसे रेजोनेट जरूर करा होगा। यस, मुझे कम से बताना ना भूलिए, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। हे ऑल माय डियर स्टार्स, पायलटो पीपल, वेलकम ऑन योर रीडिंग गाइज। तो आज की जो रीडिंग है वो है एंड ऑफ 2024, आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। ओके, वो क्या अध्याय रहेगा हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। सो आपने पाइल जो चूज करी है माय डियर पाइल्टू, वो रहेगा ये वाले बर्थ मंथ्स, ठीक है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर है। जिनको बर्थ मंथ्स नहीं पता है, आपने पाइल चूज किया है या फिर ब्रेसलेट चूज किया है ये वाला, ठीक है। ब्यूटिफुल सेवन चक्रा चीप्स का ब्रेसलेट है गाइस, ठीक है। सो यस माय डियर पाइल्टू, मुझे ना आपकी एनर्जी ऐसे फील हो रही है कि वाकई में आप लोग ना आपके जीवन में एक नया अध्याय चाहते हो। ओके, आप वाकई चाहते हो कि आपके लाइफ में नया चैप्टर शुरुआत हो, या फिर कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी उस फेज में हैं। ओके, नया चैप्टर में हो या फिर नए बिगनिंग में हो, आप नया कुछ शुरुआत करना चाहते हो, नए बिगनिंग करना चाहते हो। लेकिन पाइल नंबर टू ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना आप दिल से, आपकी ना कुछ दिली ख्वाहिश है माय डियर पाइल टू, ठीक है। मतलब ना दिल में कुछ आपके है, प्रेयर्स हो सकते हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, आपकी तमन्ना हो सकती है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, राइट, कि वो आपके दिल से जुड़ी हुई गाइस, ओके, आपके हार्ट से जुड़ी हुई है, आपके इमोशन से जुड़ी हुई है, राइट। वो कहीं ना कहीं आप चाहते हो ना कि इसमें यूनिवर्स नज़र डाले, या फिर मेरी जो दिल की विश है, मेरी जो दिल की बातें हैं, मेरी जो दिल की तमन्ना है, वो यूनिवर्स पूरी कर दे, ठीक है। इस तरीके से आपकी कुछ विश हो सकती है, मांग हो सकती है, मन्नतें हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस खास तो नहीं है, लेकिन ना आपके दिल को खुशी मिले, तसल्ली मिले, या फिर ना आपका दिल खुश हो जाए, ओके, खुश हो जाए, इस तरीके से कुछ आपकी विश हो सकती है, या फिर इस तरीके से आपकी कुछ प्रार्थनाएँ हो सकती है माय डियर पाइल वन, पाइल टू पीपल, ठीक है। कुछ वर्ड्स पाइल वन के हो सकते हैं। सो माय डियर पाइल टू, लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि आपके जीवन में एंड ऑफ 2024 क्या अध्याय लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है, जो आपके लिए नया प्रारंभ रहेगा। वाकई में कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं गाइस कि आपके जीवन में नया अध्याय में आप लोग प्रवेश कर चुके हो। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए है कि नया प्यार हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स की एनर्जी है, नहीं है, जाहिर तौर पर ये सिचुएशंस आएंगी जो आपके दिल से जुड़ी हुई है माय डियर पाइल टू। ओके, आपकी दिली ख्वाहिश है, आपकी दिली तमन्ना है, आपकी इंट्यूशन कह रही होगी कि हाँ आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, बेहतर होगा, राइट। लेकिन कहीं ना दिमाग जो है वो खेल खेलता है माय डियर पाइल टू आपके जीवन में, ठीक है। दिल आपका बहुत सारी चीज़ें बताता है, पॉजिटिव चीज़ें बताता है, लेकिन दिमाग कहीं ना नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपको लेकर जाता है। एंड इसके चलते हो सकता है माय डियर पाइल टू आप ना विश्वास नहीं कर पाते हो, मतलब दिल और दिमाग के बीच में ना आप लोग खेलते रहते हो, ठीक है। कुछ वर्ड्स की एनर्जी है, एंड मैं जो बता रही हूँ ये साइकिक लेवल की एनर्जी है, जो मुझे मैसेजेस चैनल होते हैं मैं वही बताती हूँ, पिक कार्ड के हिसाब से या फिर ना कार्ड के हिसाब से, ठीक है। मैं कलेक्टिव रीडिंग्स भी नहीं लेकर आती हूँ गाइस, क्योंकि ना मैं समझती हूँ जितना पिक कार्ड के हिसाब से रहता है ना, उतना कलेक्टिव रीडिंग्स नहीं रहते हैं, राइट। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि एंड ऑफ 2024 आपके लिए क्या प्रारंभ लेकर आया है, ठीक है। हम एनर्जी ओरेकल से ही देखते हैं पहले आपके लिए क्या रहेगा माय डियर पाइल टू, ठीक है। यस, कुछ लाइफ में बदलाव, कुछ वर्ष के लाइफ में बदलाव हो रहे हैं माय डियर पाइल टू, ठीक है। ऑलरेडी इस फेज में हो गए आप लोग, ठीक है। कुछ वर्ष की एनर्जी है, मतलब कि ना एक स्टार्ट हो सकता है कुछ वर्ष के लिए, स्टार्ट मतलब कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। किसी के बारे में आप सोच रहे हो, किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, किसी न्यू जॉब के बारे में सोच रहे हो, मतलब एक थिंकिंग चल रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना, दिल और दिमाग के बीच में आप लोग पिस रहे हो कि मुझे किसकी बात सुननी है, राइट। इस तरीके से कुछ हो सकता है, लेकिन जनरल रीडिंग है, ये गाइडेंस के तौर पर आपको लेना है गाइस, ठीक है। जरूरी नहीं हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, राइट। सो पाइल नंबर टू के लिए एनर्जी क्या निकलती है, लेट्स सी। ओके, हॉस्टिलिटीज माय डियर पाइल टू, ओके। एंड यहाँ पर देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक भी चेकआउट करते हैं, इट्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। सो माय डियर पाइल टू, यहाँ पर अभी आपके लिए गाइडेंस निकला है हॉस्टिलिटीज, ठीक है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं बता रहा है कि जाहिर सी बात है अब तक आपने काफ़ी कोशिश करी है,
ठीक है, अपने सपने के लिए, अपने आपके ड्रीम्स के लिए, आपकी दिली तमन्ना के लिए, आपकी ख्वाहिश के लिए, राइट। कि ना लगातार आप कोशिश करते ही गए, आप मानो ना, एक तरीके से मैं कहूँ ना गाइज, कि आपने अपने हाथों में एक तलवार पकड़ के रखी है, राइट। मतलब ना, अगर कुछ निगेटिव थाट्स आते भी है आपके जहन में, या फिर ना कुछ मुश्किलात आते भी आपके लाइफ में, फिर भी आप ना उसका सामना करने के लिए तत्पर रहते हो, या फिर सामना करने के लिए रेडी रहते हो, माय डियर पायलटू। ठीक है, आपने ना खुद को बदला हुआ है, माय डियर पायलटू। ऐसे ही ये कार्ड नहीं निकला गाइस। ठीक है, माना आपके लाइफ में स्ट्रगल्स है, जद्दोजहद है, मुश्किलात है, आप ना बहुत कोशिश कर रहे हो, ओके। कोशिश कर करके हो सकता है, माय डियर पायलटू, आप लोग ना पिस रहे हो। ठीक है, ये देखिए इस आदमी का फेस देखिए, मतलब ना एक तरीके से कहा भी नहीं जा रहा है, एक्सप्रेस भी नहीं करा जा रहा है। ठीक है, आप लिटरली कोशिश तो कर रहे हो एंड ना सारे मुश्किल का सामना करो जैसे कि मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं आपको, ईश्वर बता रहे हैं, यही कोशिश, यही जद्दोजहद, यही स्ट्रगल्स आपके जीवन में नया अध्याय का प्रारंभ करवाएगा, माय डियर पायलटू पीपल। ठीक है, क्योंकि ये जो कोशिश है ना, ये जाया नहीं जाएगा गाइस। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव चीज़ों पर ना जीत हासिल कर ली है, माय डियर पायलटू पीपल। ओके, निगेटिव लोग हो सकते हैं, निगेटिव पीपल हो सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, राइट। इसको कहीं ना कहीं आपने ना हरा दिया है, आप अपने लाइफ में जीत चुके हो, माय डियर पायलटू। एंड यही एक फेज रहेगा कि ये कहीं ना कहीं आपको अपने नए चैप्टर के लिए लेकर जाएगा, नया प्रारंभ के लिए लेकर जाएगा, राइट। क्योंकि आपने ना हिम्मत नहीं हारी है, माय डियर पायलटू। ठीक है, आपने कोशिश बरकरार रखी है, भले ही आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, भले ही आपकी दिल की तमन्ना पूरी नहीं हो रही है, भले ही आप दूसरों को दिखाते हो पॉजिटिव हो, लेकिन अंदर से आप लोग बहुत जद्दोजहद में हो, बहुत कोशिश कर रहे हो गाइस। ठीक है, भले ही आपके लाइफ में लॉसेस है, माय डियर पायलटू। ठीक है, ये फिनेंशियल लॉस हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपके लाइफ का कबड़ यहाँ पर खाली हो सकता है, जो जिंदगी वो खाली हो सकती है, एंड इसके चलते आप कहीं ना कहीं बहुत कोशिश कर रहे हो, राइट। एंड यही कोशिश का फल रहेगा कि आपके लाइफ के जो भी खाली पन्ने हैं, माय डियर पायलटू, ठीक है, ये जो खाली पन्ने हैं, ये एंड ऑफ 2024 भरकर निकालेगा। एंड जो आपकी इंट्यूशन बता रही है वो कहीं ना कहीं सच है, माय डियर पायलटू। ठीक है, मैंने कहा था आपके इंट्यूशन और आपके दिमाग के बीच में आप लोग पीस रहे हो, तो आपको अपनी थर्ड आई की सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं, एंड आपकी अंतरात्मा ही है कि वो आपके लाइफ को बदल देगी, माय डियर पायलटू। ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर माय डियर पायलटू, आपके जीवन में ना जो भी लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भरकर निकालेंगे। ठीक है, एंड ये जो खाली कबर है वो भर जाएगा, ये ग्रोथ से भर जाएगा, सक्सेस से भर जाएगा। ओके, आपके हिसाब से आपको लेना है गाइस। ठीक है, अबंडेंस से भर जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी है, इसके लिए आपको अपने मार्ग से हटना नहीं है, आपके कोशिश से हटना नहीं है, माय डियर पायलटू पीपल। जीत तो आपकी होनी ही होनी है, जो ये एंड ऑफ 2024 आपके लिए लेकर आया है, एंड दिस इज लाइक नए अध्याय का आरंभ या प्रारंभ होने वाला है फॉर माई डियर पायलटू पीपल। करेक्ट, यस। कुछ वर्ष के लिए हो सकता है फिनेंशियल कुछ कंसर्न्स रहेगा आपके लाइफ में। ठीक है, फिनेंशियल लॉस हो सकता है, कंसर्न्स हो सकता है। मैंने जैसे कहा कि ना आपका दिल खुश हो जाना चाहिए। ओके, इस तरह से खुशी आप चाहते हो, माई डियर पायलटू, राइट। तो लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं, टैरो कार्ड से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं फॉर माई डियर पायलटू पीपल। ओके, देखिए पेज ऑफ कप्स, ओके ले रही हूँ मैं। ओके, सी देखिए, क्वीन ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, वन मोर लेते हैं, यू हैव योर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ओके, यहाँ पर आपकी राशियाँ कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो रहोगे आप, एंड टॉरस का कैप्रिकॉर्न। ओके, ज़रूरी नहीं क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी चेकआउट करते हैं। देखिए नाइन ऑफ सोर्ड्स, माय डियर पायलटू। ठीक है, यस, पाइल नंबर टू, कहीं ना मुझे दिख रहा है कि काफ़ी परेशान भी हो आप, मतलब ना थक चुके हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ गाइस। ओके, थक चुके हो लड़ाई कर करके या फिर खुद को साबित कर करके, राइट। हार तो मानी नहीं है आपने, लेकिन ना आपकी एनर्जी ना काफ़ी ड्रेन आउट मुझे दिख रही है, एंड ना इसी के चलते हो सकता है, माय डियर पायलटू, कुछ वर्ड्स है गाइस कि ना आप लोग काफ़ी रोते हो। ओके, रातों में रोते रहोगे, काफ़ी इमोशनल होते हो किसी सिचुएशन के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, आपके विश के लिए, आपके प्रेयर्स के लिए, राइट, कि ईश्वर मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, मेरी कोशिश को नहीं देख रहे हैं,
मेरे लॉसेस को नहीं देख रहे हैं, राइट? मतलब ना दूसरों को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, राइट? मेरा समय कब आएगा? तो इसके चलते ना काफ़ी थॉट्स चलते रहते हैं, काफ़ी आप परेशान भी होते हो, राइट? एंड ना रातों को सोते भी नहीं रहोगे, माई डियर पायल टू पीपल, ये कुछ वर्ड्स की एनर्जी है गाइज, ठीक है? रातों के टाइम पर काफ़ी सोचते हो कि यार मेरे ही लाइफ में ये सिचुएशंस क्यों हैं, मेरे ही लाइफ में मेरे कोशिश का फल क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, राइट? तो इस तरीके से कुछ सवालात हो सकते हैं। लेकिन माय डियर पायल टू, ओके, एंड ऑफ 2024 आपके ज़िंदगी में आप जो दिली ख्वाहिश कर रहे थे, ओके, वहीं पर आप देखोगे कि नया प्रारंभ आपके लिए हो रहा है, ठीक है? आपकी दिली ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, राइट? मतलब ये पर्सन हो सकता है, जॉब हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, बच्चे की खुशी हो सकती है, फिनेंशियल सक्सेस हो सकता है, बिजनेस सक्सेस हो सकता है, यूट्यूब सक्सेस हो सकता है, राइट? किसी की तरफ से प्यार का ऑफर मिल सकता है, प्यार कोई आपसे जाहिर कर सकता है, आप किसी को प्यार जाहिर करने वाले हो, राइट? आपके लिए अप्रिशिएशन आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ आ रहा है, अब्रॉड ट्रैवल मुझे दिख रहा है, राइट? एंड एक मान सम्मान दिख रहा है मुझे, ओहदा दिख रहा है, रिस्पेक्ट दिख रहा है, राइट? जो अब तक आपको नहीं मिला है गाइस, ठीक है? एंड मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जब साल का आखिरी समय आता है, ओके, तो कहीं ना हमारे लाइफ की जो एनर्जीज है वो वाकई में चेंज होने लगती हैं, ओके? जो हमने कोशिश करी है, जो खोया है, वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर हमें दिलवाता है गाइस, ठीक है? सो वही चीज़ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आपके रीडिंग में ना यहाँ पे दो क्वींस निकले गए, ओके? दो क्वींस, क्वींस मतलब कहीं ना एक ना मजबूत फाउंडेशन आपकी लाइफ में होने वाली है, साथ ही साथ कहीं ना आप लोग ग्राउंडेड भी रहोगे, माय डियर पायल टू, ठीक है? मतलब ना जो आपकी ज़िंदगी में अभी आएगा एंड ऑफ 2024, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को तरक्की भी देगा, सक्सेस भी देगा, साथ ही साथ ना आप उसमें काफ़ी ग्राउंडेड रहोगे, ग्रैटिट्यूड दोगे, राइट? रिस्पेक्ट आपको, आप जितना रिस्पेक्ट दोगे वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट आपको इन रिटर्न मिलने वाला है बाय द एंड ऑफ 2024, ठीक है? भले आपके लाइफ में लॉसेस है, परेशानी है, दुख दर्द है, आप दूसरों को जाहिर नहीं करते रहोगे, दूसरों को दर्द बांटते नहीं रहोगे, लेकिन यूनिवर्स भूले नहीं है गाइज, ओके? ईश्वर भूले नहीं है, आपके दिल की बातें वो समझ चुके हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको समझ चुके हैं, एंड दैट्स वाई अभी आप ना एक फ्रेश एनर्जी में रहोगे, एंड ये फ्रेश एनर्जी कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ही बनाएगा, ओके? सक्सेसफुल ही बनाएगा, चाहे वो एंड ऑफ 2024 हो या फिर बिगनिंग ऑफ 2025 हो, माय डियर पायल टू। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में ना एक नए फ्रेश स्टार्ट होने वाली है, एक नया अध्याय प्रारंभ आपके जीवन में होने वाला है, जो कि आपके लिए एक नया फेज रहेगा, ओके? वाकई में आप लोग एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हो गाइस, एंड ये नया चैप्टर कहीं ना कहीं आपकी दुनिया बदल देने वाला है, एंड ये दुनिया कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जहां पर ना ये ऐसी सिचुएशन है, इसको भूल चुके थे, ओके? भूल चुके थे, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि यूनिवर्स नहीं भूले हैं, एंड यही सिचुएशन आपके लिए स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा, मतलब ना एक सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, माय डियर पायल टू पीपल। दिस विल बी अ न्यू आरंभ, या फिर न्यू चैप्टर रहेगा, जो आपकी सारी परेशानियां भुला देगा, या फिर सारी परेशानियां दूर करेगा, माय डियर पायल टू पीपल, ठीक है? ये सारी परेशानियां दूर होगी, क्योंकि वाकई में ये आपके लिए एक नया डिवाइनली ब्लेसिंग्स रहेगी आपके लिए, कि जहाँ पर न्यू शुरुआत रहेगा, ठीक है? ये न्यू शुरुआत आपका प्यार रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, मैंने जैसे बताया सक्सेस रहेगा, ग्रोथ रहेगा, राइट? एक नया ट्रैवलिंग भी हो सकता है कुछ वर्ष के लिए, अब्रॉड ट्रैवल हो सकता है, राइट? मतलब ना ऐसा फेज रहेगा ना माय डियर पायल टू, कि आपने सोचा नहीं है कि मेरे जीवन में ये हो सकता है, लेकिन ये वाकई में होने वाला है माय डियर पायल टू आपके जीवन में, ठीक है? भले आप सोचो या ना सोचो, कहीं ना कहीं आपके जीवन की ये जो नई ऊर्जा है, या फिर आपके लाइफ की जो नई ऊर्जा है, ये आपके लिए एक गुड लक रहेगा माय डियर पायल टू पीपल, ये यूनिवर्स की तरफ से गुड लक रहेगा, ठीक है? तो आपको सोचना नहीं है गाइस, एंड कुछ वर्ष के लिए हो सकता है ये गुड लक ना आपके ड्रीम्स के रिलेटेड हैं, मतलब आपके सपने के चलते हैं, राइट? कि आप जो सपने देख रहे थे वो कहीं ना कहीं हकीकत में होने वाला है बाय द एंड ऑफ 2024, माय डियर पायल टू पीपल, ठीक है? एंड ऑफ 2024 ये आपके लिए करवाएगा जो अब तक आपके पल्ले नहीं पड़ रहा था, एंड कहीं ना मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्स भूले नहीं है गाइस, ठीक है? भूले नहीं है, एंड जो आपके जीवन से फिसल गया था, ओके, जा चुका था, आप देखोगे कि नए वर्जन में आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन आपने देखा है, सुनामी आपने देखी है, ठीक है? जो भी सुनामी आपके जीवन में हुई है वो आपके बेहतर के लिए, अच्छे के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं एक
एक नया स्टार्ट, एक नया प्रारंभ आपके जीवन में हो रहा है, क्योंकि एंड ऑफ 2024 लेकर आया है माय डियर पायल टू, एंड दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। ओके, ये रिलेशनशिप हो गया, बच्चा हो गया, ग्रोथ हो गया, हीलिंग हो गया, करियर हो गया, सक्सेस हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, आपके हिसाब से आपको लेना है गाइस, ठीक है। बिजनेस हो गया जो एंड हो चुका था, ठीक है, तो वही कहीं ना कहीं प्रारंभ होगा, एक नया वर्जन में आएगा गाइस, एक न्यू स्टार्ट में आएगा, एक नया वर्जन में आएगा, एंड दिस इज लाइक अ डिवाइन टाइमिंग टू पीपल। ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है, वाकई में आप अपने डिवाइन टाइमिंग में हो माय डियर पायल टू पीपल, ठीक है। यस, वाकई में आप डिवाइन टाइमिंग में हो, एंड दैट्स व्हाई एंड ऑफ 2024 काफी सारे चीजें बदल देगा आपकी जिंदगी में फॉर माय डियर पायल टू पीपल, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स के लिए हो सकता है गाइस कि ना आपके जीवन में कोई फेमिनिन एनर्जी जो है वो कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है किसी फेमिनिन एनर्जी के साथ, ठीक है। ये फेमिनिन एनर्जी कोई भी हो सकती है, ये आपकी फ्रेंड रहे, आपकी मदर रहे, आपकी सिस्टर रहे, या फिर आपकी मामी रहे, ठीक है, आपके हिसाब से सबको लेना है गाइस, चाची रहे, मामी रहे, आपकी भाभी रहे, ठीक है। तो उनसे कुछ ना आप लोग स्टार्ट करने वाले हो, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर कोलैबोरेशन हो सकता है, राइट। कोई आपकी बॉस रहे जो फेमिनाइन रहे, राइट, तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऑफर दे सकती है आने वाले समय के लिए, दैट इज एंड ऑफ 2024 के लिए, एंड दिस इज लाइक अ न्यू अध्याय आपके लिए, नया चैप्टर रहेगा, ठीक है। लेकिन पायल नंबर टू आपके रीडिंग में ना फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इनके चलते कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पिंग हैंड आएगा, इनके चलते कुछ ना कुछ आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे, हकीकत में हो जाएंगे, राइट। आने वाले समय के लिए है, कुछ वर्ष के लिए हो सकते हैं, ऑलरेडी आपके लाइफ में है ये फेमिनाइन एनर्जीज, एंड इसी के चलते आपके जीवन में ना एक नया स्टार्ट, एक न्यू अध्याय में आप लोग एंटर करने वाले डियर पायल टू पीपल, ठीक है। ये फेमिनाइन एनर्जी आपके लिए काफ़ी एक ब्लेसिंग रह सकती है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, राइट, ब्लेसिंग रह सकती है, या फिर ये फेमिनाइन एनर्जी आपके लिए एक मरहम का काम करेगी, ओके, आपके दुखी मन के लिए या फिर आपके सक्सेसफुल लाइफ के लिए एक ना पॉजिटिव हीलिंग देने का काम करेगी ये फेमिनाइन एनर्जी माय डियर पायल टू, ठीक है। सो यस, ये एंड ऑफ 2024 के लिए कोई फेमिनाइन एनर्जी आते हुए मुझे दिख रही है, जो आपके दिल को समझेगी, जो आपके इस स्ट्रगल में आपकी भागीदारी होगी या फिर ना साथीदार होगी, ठीक है, भागीदार होगी या साथीदार होगी, ठीक है। सो आपके हिसाब से आपको लेना है गाइस, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं अभी इस रीडिंग के लिए फॉर माय डियर पायल टू, लेट्स सी। सो यू हैव योर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। मैंने कहा था कुछ सिचुएशंस अभी लाइफ में ऐसे होंगे कि जहां पर ना आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो किसी के साथ, मतलब आपकी सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके दिल के तमन्ना के लिए, राइट, आप लोग ना कॉम्प्रोमाइज़ करते मुझे दिख रहे हो। मतलब ना हो सकता है किसी फेमिनिन एनर्जी के साथ खटास था, रिश्ता नहीं बन रहा था, राइट, या फिर सिचुएशंस आपके बेहतर के लिए नहीं थी, तो अभी आप देखोगे ना सारी सिचुएशंस आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेगी, मतलब ना आपके लिए काम करने लगेंगे, एंड आप भी इसमें खुद को ढाल लोगे माय डियर पायल टू, ठीक है। इस तरीके से एनर्जीज मुझे पायल टू के लिए मिल रही है, साथ ही साथ ना यहाँ पर हेल्पफुल पीपल, मैंने अभी कहा था ना गाइस, ओके, अभी मैंने जस्ट कहा था कि कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपके लिए हेल्पिंग हैंड बढ़ाएगी, ओके, काफ़ी हेल्पफुल पीपल अभी आप देखोगे बाय द एंड ऑफ 2024 कि आपके ना इस दुख दर्द से आपको बाहर निकालेंगे, अपने सोल्यूशन देने का काम करेंगे कि वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके, क्लियरली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, फिर बातचीत आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। एंड इट्स अप टू यू, आपकी तरफ यूनिवर्स ने छोड़ा, एंजल्स ने छोड़ा है, आपकी मर्जी है इनको आपकी ज़िंदगी में लेना है या नहीं लेना है, फिर इनकी जो सलाह है आपको लेनी है या नहीं लेनी है, जाहिर सी बात है गाइस, ओके। अगर कोई आता है तो आपको फॉरगिव करना है, ठीक है, अगर कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना चाहता है तो आपको फॉरगिव करना है, फॉरगिव करके छोड़ देना है गाइस, ठीक है। सी जैसे आपकी एनर्जीज रहेंगी उसी बेसिस पर ये रीडिंग है गाइस, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ 2024 आपको पता लग जाएगा कि किससे कम्युनिकेशन आ रहा है, कौन फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, कौन आपसे फॉरगिवनेस की भीख मांगेगा, राइट, आपसे कम्युनिकेट करेगा, तो सारी चीज़ें आपको एंड ऑफ 2024 तक पता लग ही जाएगा, ओके। एंड हेल्पफुल पीपल तो आ रहे हैं जैसे कि मैंने कहा, एंड ना पायल नंबर टू मैं कहूँ ना तो आपके लाइफ में ना मुझे आप ऊंचे पोजीशन पर जाते हुए दिख रहे हो, पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे मिला है, लेकिन ना भले आपकी उम्र यहाँ पर कम हो या ज़्यादा हो माय डियर पायल टू, आप ना मुझे आपके कोशिश के बलबूते पर, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2024 आप उस गद्दी को हासिल कर लोगे या फिर उस मुकाम को हासिल कर लोगे कि जहाँ पर ना आपके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा होंगे कि आपको जानने लगेंगे, आपको मानने लगेंगे, या फिर ना मैं कहूँ तो आपकी गाइडेंस भी लेने लगेंगे,
ऐसे कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है, ठीक है, मतलब ना आपको फॉलो करने लगेंगे, ऐसा भी रहेगा, ओके, आपको आपको फॉलो करने लगेंगे, एंड यही एक रहेगा कि जहाँ पर आपके जो भी खाली पन्ने हैं वो कहीं ना कहीं भर जाएंगे एंड ऑफ 2024 के लिए, ठीक है. एंड दिस इज लाइक अ न्यू चैप्टर, न्यू स्टार्ट, न्यू अध्याय का प्रारंभ होगा आपके जीवन में, जो ये सिचुएशंस एंड ऑफ 2024 आपके लिए लेकर आया है, माय डियर पालतू पीपल, करेक्ट. तो यस माय डियर स्टार्स, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर द एंड ऑफ 2024, एंड आई होप गाइस आपसे रेजोनेट जरूर करा होगा. यस, मुझे कमेंट से बताना ना भूले, साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल.